तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में सीआरएल का मतलब क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो प्रेगनेंसी का अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी में पांचवें, छठे या सातवें वीक पर अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हमें प्रेगनेंसी की कुछ शुरुआती झलकें दिखाई देती हैं, जो कि ये बताती हैं कि प्रेगनेंसी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये झलकें होती हैं जेस्टेशनल सैक, योग सैक और फीटल पोल। सो इन बातों को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको मोस्ट बेसिक सी जो छोटी बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। उसको पता करने के लिए आपको आपकी लास्ट पीरियड डेट का पता होना चाहिए, जिसे LMP डेट या लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं। ये वो दिन है जिस दिन आपको आखिरी बार आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो मान लीजिए कि आपको 28 दिन का पीरियड साइकिल था और आपने 28 दिन तक आपके पीरियड्स के आने का वेट किया, लेकिन इसी बीच आपको लगा कि आप प्रेग्नेंट हो और आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया, उसमें आपको डबल लाइन शो हुई जिससे आपको आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हुआ। फिर मान लीजिए कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग टू योर लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट आपने आपकी प्रेगनेंसी के लगभग 32वें दिन अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में आपको प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। इस जेस्टेशनल सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपको इसी जेस्टेशनल सैक में प्रेगनेंसी की दूसरी झलक दिखाई देगी जिसे योग सैक कहते हैं। फिर इस योग सैक के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद आपको इस योग सैक की सीमा पर एक कर्व टाइप की आकृति दिखाई देती है। इसको ध्यान से देखने पर इस कर्व टाइप की आकृति के एक छोर पर हमें बच्चे का सिर दिखाई देता है और दूसरे छोर पर बच्चे की पोल दिखाई देती है जिसे फीटल पोल कहते हैं। उसके बाद हमें बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देती है। जब प्रेगनेंसी एक अच्छी डायरेक्शन में ग्रो होती है तो कुछ टाइम के बाद जो ये फीटल पोल हमें दिखाई दिया, पहले तो आप समझ लीजिए कि फीटल पोल क्या होता है। फीटल पोल का मतलब फीटस होता है, भ्रूण, बच्चा, बेबी, आप कुछ भी समझ सकते हो। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है वैसे वैसे जो फीटस है वो भी ग्रो होता है, मतलब फीटल पोल का साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो जब इस फीटल पोल का साइज इंक्रीज होता है तो फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फीटल पोल का जो साइज है, जो उसकी शेप है, वो कर्व टाइप की होती है और उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस टाइम जो बच्चे की आकृति है वो एक कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की समान होती है। उस टाइम पर बच्चे की पूरी बॉडी को मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए एक टर्म निकाली गई जिसे CRL कहते हैं। CRL का मतलब होता है क्राउन रम्प लेंथ, जिससे ये पता लगता है एक्चुअली में कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है और प्रेगनेंसी अच्छे से प्रॉपरली ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही। प्रेगनेंसी कितने दिनों की है वो बात अलग है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्राउन रम्प लेंथ क्या होती है। सो क्राउन का मतलब होता है हेड, बच्चे का सिर, और रम्प का मतलब होता है बच्चे की हिप्स, और लेंथ का मतलब है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो सपोज कीजिए कि कोई आदमी चेयर पर बैठा है तो जो हेड से लेकर हिप तक की जो लेंथ होती है उसी को क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। ये फीटल पोल का ही एक पार्ट होता है। सो अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के एक्चुअल डेज काउंट करने हैं, ये जो मेथड है ना, ये मेथड उन कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और फीमेल्स को अपनी लास्ट पीरियड डेट का पता नहीं होता, या फिर जब पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी ख़राब होती है और हमें एक्चुअली जेस्टेशनल पीरियड का पता करना होता है, मतलब प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। तो सिंपली मेथड है कि जो क्राउन रम्प लेंथ होती है, मान लीजिए कि क्राउन रम्प लेंथ आपको 10 आया तो उसमें आप 42 ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हुआ 52, तो आपको 52 दिन की प्रेगनेंसी है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि क्राउन रम्प लेंथ की जो साइज है वो 1 mm पर डे के हिसाब से 42 दिन के बाद इंक्रीज होता है। मतलब 42 दिन के बाद क्राउन रम्प लेंथ की जो लेंथ है वो 1 mm पर डे के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो मान लीजिए कि आपको CRL आया 5 mm, तो उसमें आप 42 ऐड कीजिए, टोटल कितना हुआ 47, तो आपको 47 डेज की प्रेगनेंसी है। ऐसे आप अपनी प्रेगनेंसी के दिन काउंट कर सकते हो। और ये जो मेथड है ये प्रेगनेंसी के 9 वीक्स तक या हद से हद 12 वीक्स तक काम देता है। उसके बाद फिर बच्चे की कोड डेवलप हो जाती है और फिर हम कोड के थ्रू और आगे जो बच्चे की फीमर बोन होती है उसको मेज़र करके प्रेगनेंसी कैसी है, कैसे ग्रो हो रही है, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इन सब से कैलकुलेट करते हैं। तो ओके, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी क्राउन रम्प लेंथ के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार ही अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही आते हैं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।